स्मोकी आई मेकअप लुक नेवर गोज आउट ऑफ फैशन एंड ट्रस्ट मी, बहुत लोगों को लगता है कि यार स्मोकी आई करना बड़ा डिफिकल्ट है, यू मे मेस अप विद ब्लैक कलर एंड सब ब्लैक ब्लैक हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है स्मोकी आई मेकअप लुक करना. यू डोंट नीड अ मेकअप आर्टिस्ट टू गेट दैट डन. तो अगर आपके घर में कोई फंक्शन आने वाला है एंड यू वॉन्ट टू डू अ स्मोकी आई मेकअप लुक, यू वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई, देन डोंट फर्गेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई एम श्योर बाय दिस एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो हाउ टू डू स्मोकी आई. मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी टेक्निक्स आपको बताऊँगी कि कैसे करना है, और आप ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा हुआ था. एंड हाँ, यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, हेलो माई नेम इज प्रणोती. आई पोस्ट मेकअप वीडियोज, हेयर स्टाइल, हेयर केयर, स्किन केयर वीडियोज, एंड यू कैन फाइंड शॉर्ट वीडियो ऑन माई चैनल एवरी डे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो सबसे पहले अगर आपको आई मेकअप करना है, नॉट ओनली जस्ट स्मोकी आई, कोई भी आपको आई मेकअप करना है, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी होती है, दैट इज़ प्रिपेयरिंग योर आईज फॉर द मेकअप. नाउ व्हाट डज दैट मीन, अपने आई लिड्स जो होते हैं वो जनरली अपने फेस से थोड़े से डार्क होते हैं, तो उसको अपने स्किन टोन से मैच करना पहले बहुत ज़रूरी है. वरना आप डायरेक्टली अगर कोई भी शेड आपके आई लिड्स के ऊपर लगाते हो तो उसका जो कलर है वो इतना निखर के नहीं आता जितना आना चाहिए. सो व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट, लेट मी टेल यू. सबसे पहले वी हैव टू मैच द कलर. मैंने एक्चुअली यहाँ पे बेस मेकअप किया था, तब मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन भी अपने आई लिड्स के ऊपर लिया था. बट इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड अ कंसीलर. सबसे पहले आपको एक कंसीलर लेना है. मैं और थोड़ा सा इसको ब्राइट करने वाली हूँ ताकि जो कलर है जो भी हम यूज़ करेंगे वो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखे. तो आई एम गोइंग टू यूज़ अ कंसीलर एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस कलर बार कंसीलर. इसको मैं अपने आई लिड्स के ऊपर लगाऊंगी. ओके, दोनों. नाउ यू नीड टू ब्लेंड इट. ओके, इसको इजीली जैसे आप फाउंडेशन ब्लेंड कर लेते हो वैसे ही इसको भी ब्लेंड करके लेना है. सो ये ब्लेंड हो गया है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है मेरी आईलिड है जो है वो ब्राइट लग रही है. ये वाला जो है थोड़ा सा डार्क लग रहा है. मैंने इसके ऊपर कंसीलर मतलब अभी तक ब्लेंड नहीं किया है, बट यू कैन स्टिल सी दिस इज बिट डार्कर देन दिस वन. तो इसके लिए ही आपको सबसे पहले कंसीलर यूज़ करना पड़ता है ताकि जो डिसकलरेशन है वो आपके आईलिड्स के ऊपर ना दिखे, और जो भी कलर आप इसके ऊपर यूज़ करो वो और भी ज़्यादा खिल गया है. ओके, नाउ व्हेन यू अप्लाई अ कंसीलर, वो क्रीज नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसको सेट करना ज़रूरी है. नाउ आफ्टर अप्लाइंग अ कंसीलर एंड ब्लेंडिंग इट, यू नीड टू सेट इट. फॉर दैट यू कैन यूज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर और अ लूज पाउडर. इसको बस सेट करके लेना है. जैसे आप मेकअप मैट करने के लिए जैसे उसको सेट कर लेते हो वैसे ही कंसीलर को भी आपको सेट करना पड़ेगा. ओके, आई एम गोइंग टू यूज़ अ लूज पाउडर टू सेट द कंसीलर. तो अब जब आप सेट कर लेते हो ना, उसके बाद आपको आई लिड्स के ऊपर चेक करना है कि कहीं कोई लाइन नहीं दिख रही है. मोस्टली जब आप कंसीलर लगाते हो और उसको सेट नहीं करते ना, तो आई लिड्स के ऊपर ना ऐसे ऐसे लाइंस दिखती है जो कि नहीं दिखनी चाहिए. अगर वैसा दिखता है ना तो आई मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा. तो अगर ऐसा दिख रहा है तो उसको सेट कर दो. ठीक है, तो अपना जो सेट करने का काम है वो अभी हो चुका है. एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द स्मोकी आई लुक. नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू विच ब्रशेज आई एम गोइंग टू यूज़. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस थ्री ब्रशेज, दिस इज़ बाई स्विस ब्यूटी. ओके, तो आपको क्या लगने वाला है, सबसे पहले एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश. इसके ऊपर आई शेडो है, वेट लेट मी जस्ट ब्रश आउट. ये एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है. दिस इज C6 ब्लेंडिंग ब्रश. लेट मी शो यू, दिस इज़ द C6 ब्लेंडिंग ब्रश बाई स्विस ब्यूटी. ये वाला एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश आपको लगेगा. फिर मैं एक शेडर ब्रश ले रही हूँ जो कि ऐसा होता है जिससे अपन उसके ऊपर कलर जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं. दिस इज़ द शेडर ब्रश, दिस इज C7 शेडर ब्रश बाई स्विस ब्यूटी. एंड एक बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, दिस इज C2. दिस इज C2 ब्लेंडिंग ब्रश. दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके, नाउ क्या आई लुक हम क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट. ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो बेसिकली ये एक्चुअली मेरा इसका जो कवर है वो टूट चुका है, सो सॉरी फॉर दैट. तो इसमें से आपको बेसिकली तीन कलर लगेंगे. ब्लैक टू डू द ब्लैक स्मोकी आई, यू नीड वन डार्क ब्राउन शेड एंड वन लाइट ब्राउन शेड. ओके, तो बस तीन अगर आपके पास शेड है ना तो भी आपका स्मोकी आई लुक बन जाएगा. तो लेट मी स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू. नाउ सबसे पहले इसमें जो मैंने आपको तीन शेड्स बताए, ब्लैक, डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन, सबसे पहले हम लेंगे लाइट ब्राउन शेड और उसको अपने आईलिड्स के ऊपर लगाएंगे लाइक दिस.
अभी मैं बड़ा वाला ब्रश ले रही हूँ, एक्सेस ड्रॉप कर दो एंड ऐसे आपको सबसे पहले ऊपर जो लाइट, सबसे लाइट ब्राउन शेड है उसको आपको यूज करना है। सो स्मोकी आई बेसिकली क्या होता है, ब्लैक, डार्क ब्लैक एंड देन उसका जो शेड है वो लाइट लाइट होते होते ऊपर जाता है, डार्क ब्लैक, लाइट 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 एंड द लाइटेस्ट ऑन द टॉप। ओके, तो ये आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले लाइट ब्राउन लिया है मैंने और इसको मैं लगा रही हूँ अपनी आंखों की क्रीज के ऊपर, जो आपका ये क्रीज लाइन है उसके ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ लाइक दिस। ठीक है, अभी लगाते वक्त यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, आप एंड में उसको एडजस्ट कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, पर शुरुआत में ही ना डोंट डू लाइक दिस वरना बहुत बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे करो और मेक श्योर कि आपका जो आईब्रो का एंड है उसके अंदर ही आप कर लो। ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप आपको याद रखना है कि जब भी आप आई मेकअप करते हो ना तो दोनों आंखों का साइमल्टेनियसली करते जाओ, वरना क्या होता है एक आंख आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो और कभी कभी कलर शेड भूल जाते कि यार ये कौन सा शेड यूज़ किया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों आंखों का जो मेकअप है वो सिमिलर लगना चाहिए, इसलिए आपने ये शेड यूज़ किया यहाँ पे लगा लिया, फटाक से डू इट ऑन द अदर साइड ऑल्सो, ताकि याद रहता है और प्लस आपको मालूम होता है कि आपको इससे मैच करना है। जब पूरा आई मेकअप हो जाता है ना कभी कभी नहीं समझ में आता कि यहाँ पे कलर कौन सा गया, कितना यूज़ किया, इसलिए ध्यान रखना है कि दोनों को साथ में करना है। ठीक है, अभी ये लाइट ब्राउन मैंने यूज़ किया है, इसको बाद में लगा तो अपन इसको और लाइट करेंगे, नेक्स्ट शेड भी यूज़ कर सकते हैं इसको लाइट करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं डार्क ब्राउन शेड के ऊपर। ओके, अब मैं यहाँ पे जो छोटा मेरा ब्रश था उसको ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट डिपिंग इट इन द डार्क ब्राउन शेड। ओके, और जो आपने लाइट वाला शेड किया था उसके थोड़ा सा नीचे आपको डार्क ब्राउन शेड यूज़ करना है। इस डार्क ब्राउन शेड को जब आप लगाओगे तब आपको ध्यान रखना है कि इसको लगाते लगाते ऊपर नहीं जाना है वरना पूरा डार्क हो जाएगा, तो जो ट्रांजिशन लाइट एंड डार्क का है वो आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पे आपने ये एरिया जो है जहाँ पे हम डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं उसको उधर ही लगाना है, उससे ज़्यादा ऊपर आपको नहीं लगाना है। अब वापस वो बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश लो, लाइट शेड में डिप करो और इसको बस मिक्स कर दो अच्छे से दोनों को, ताकि डार्क लाइट जो ट्रांजिशन है वैसा अपने को दिखना चाहिए। तो लाइट शेड लेके इसको ऊपर के साइड में ऐसे ब्लेंड कर लो, ताकि ऐसे डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन नहीं दिखना चाहिए, ट्रांजिशन दिखना चाहिए कलर्स का, तो लाइट कलर को थोड़ा सा ऊपर से ब्लेंड कर लो अच्छे से। एंड नाउ वी आर गोइंग विद द ब्लैक शेड। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज अ शेडर ब्रश, इसको मैं ब्लैक शेड में डिप कर रही हूँ लाइक दिस। और अब आपको जो आपका ये लाइन है इससे बहुत क्लोजली आपको ब्लैक शेड लगाना है, बहुत ऊपर तक नहीं जाना है। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व मी। जस्ट लाइक यू अप्लाई आई लाइनर, उसके जैसे ही आपको अप्लाई करना है। जब आपका एक लाइन हो जाता है उसको अभी आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाना है। अब मैं वापस स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उसको डार्क ब्राउन में डिप करके एक्सेस निकाल रही हूँ और इसको जो ब्लैक है और जो ब्राउन है उसके जो शार्पली ब्लैक एंड ब्राउन दिख रहा है ना उसको शार्प नहीं दिखाना है, उसको ब्लेंड करना है ताकि ऐसा लगे कि ब्लैक जो है वो ब्राउन के अंदर मिक्स होते जा रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, टेकिंग अ ब्राउन आई शेडो और जो ब्लैक का एंड है वहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ब्लैक एंड ब्राउन जो है वो मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से जो ब्लैक शेड है वो इतना मस्त स्मोकी लुक दे रहा है। तो आप इसको और भी ज़्यादा इंटेंस करना चाहते हो तो ब्लैक शेड को आप थोड़ा और ऊपर लेके जा सकते हो, बट ध्यान रखना अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा थोड़ा ब्लैक करते जाओ और उसको अच्छे से ब्लेंड करते जाओ विद ब्राउन, तो वो अच्छा लुक देगा। अगर आप
सिर्फ ब्लैक लगा रहे हो और उसको ब्लेंड नहीं कर रहे हो तो वो लेयर्स दिखेंगे लाइक ब्लैक शेड एंड देन ब्राउन शेड एंड देन लाइट ब्राउन. सो ऐसा नहीं करना है. ओके, मिक्स करते जाओ तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा. जैसे ये ब्लैक ब्राउन लाइट ब्राउन दिख रहा है, आप आपके जो लाइनर जहाँ पे लगाते हो उसको आप और भी ज़्यादा ब्लैक कर सकते हो. यू कैन यूज़ अ लाइनर और यू कैन यूज़ अ काजल. तो आई एम गोइंग टू यूज़ अ काजल, तो उसके ऊपर मैं लगाऊंगी और भी ज़्यादा इंटेंस जो इंटेंसिटी है ब्लैक कलर की वो यहाँ पे और ज़्यादा दिखेगी. तो आई एम गोइंग टू यूज़ अ काजल, ये भी एक्चुअली कलर बार का ही है, और इसको मैं अपने आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ लाइक दिस. अब अगेन इसको क्या करना है, इसको वापस हम ब्लेंड करेंगे ताकि ज़्यादा लाइनर लुक ना आए, स्मोकी आई लुक आए. तो वापस में आई एम यूजिंग दिस स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और इसको अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो ब्रश के ऊपर लेके मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. देख सकते हो दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. अभी यही सेम मैं इस आंख पे कर लेती हूँ. अगेन वाटर लाइन के लिए आई एम गोइंग टू यूज काजल, आई एम गोइंग टू यूज अ ब्लैक काजल. सो लेट्स डू दैट. काजल लगाया है, इसको अगर आपको और इंटेंस लुक करना है तो आंखों के मतलब जो आपका वाटर लाइन है उसके नीचे भी आप ब्लैक आई शेडो यूज़ कर सकते हो. मैं एक तरफ करके दिखाती हूँ, एक तरफ सिंपल काजल रखूँगी, तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, वो वैसा लुक क्रिएट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं पहले काजल लगा लेती हूँ. टेक योर स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, डिप इट इन द ब्लैक आई शेडो. ठीक है, एकदम थोड़ा सा इसको डिप करना है और आपके जो आपने जहाँ पे काजल लगाया है उसके नीचे आपको इसको लगाना है. ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, अच्छा नहीं दिखेगा. एकदम लाइटली आपको यहाँ पे लगाना है. रखना है आप ऐसे भी रख सकते हो, अगर सिर्फ काजल लगा के ऊपर स्मोकी आई रखना है तो वैसे भी रख सकते हो, कम्प्लीटली योर चॉइस. तो मैं क्विकली इसको फिनिश कर देती हूँ एंड लेट मी शो यू हाउ इट लुक. तो यहाँ पे ये मैंने कर लिया है. उसके बाद द लास्ट स्टेप इज़ टू यूज़ अ मस्कारा. मस्कारा लगाने से पहले आई एम गोइंग टू यूज़ अ आई लैश कर्लर और उसको मैं कर्ल अपने आई लैश को पहले कर्ल करके ले रही हूँ. एंड मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ स्काई हाई मस्कारा. ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये लगाती हूँ ना तो मुझे फॉल्सीज लगाने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं लगती. तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉल्सीज, मैं इस वीडियो में नहीं यूज़ कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो फॉल्स आई लैशेज भी यूज़ कर सकते हो. तो आई एम जस्ट अप्लाइंग मस्कारा और ये बहुत अच्छा लुक देगा. सी हाउ नाइस दिस मस्कारा इज, मतलब लगाते ही एक अच्छा सा लिफ्ट आ जाता है आई लैशेज पे और उसको फॉल्सीज लगाने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे. एंड लेट मी टेल यू गर्ल्स, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल कलर ऑफ माई आईज़. मैंने लेंस लगाई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये कलर अपनी आँखों पर. तो और प्लस ये बहुत ज़्यादा एनहांस भी करता है लुक को कम्प्लीटली. सो आई एम यूजिंग लेंसेज. अगर आप चाहो तो लेंसेज भी यूज़ कर सकते हो, नेचुरल रखना चाहते हो तो नेचुरल भी रख सकते हो, कम्प्लीटली योर चॉइस. आप मस्कारा लगाते हो ना अलग से डिप करके लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बच जाता है आपके वॉन्ट के ऊपर उसी को नीचे लगाना है. अगर ज़्यादा लगा डिप करके ले लेते हो ना तो कभी कभी क्लम्पी लगता है, तो ज़्यादा नहीं लगाना है. जो भी आपके वॉन्ड के ऊपर बचा हुआ रहता है ऊपर लगाने के बाद उसी को आपको नीचे लगाना है. हाउ माई आईज आर लुकिंग एंड लेट मी जस्ट फिनिश माई लिपस्टिक एंड कम बैक. बस एक टिप आपको मैं यहाँ पे देती हूँ इन मेकअप. अगर आप अपनी आईज जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रख रहे हो, स्मोकी आई रख रहे हो या फिर यू आर यूजिंग लॉट्स ऑफ कलर, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका लिपस्टिक जो है वो मिनिमम या फिर न्यूड कलर यूज़ के ब्राइट नहीं यूज़ करना है. तो क्या होता है ना, आपकी आंखें भी ब्राइट दिखती है, लिप्स भी ब्राइट दिखती है, तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लुक आता है. तो व्हाट यू हैव टू डू, इफ़ यू आर मेकिंग योर आईज बोल्ड, मेक योर लिप्स लिटिल सॉफ्टर एंड इफ़ यू आर कीपिंग योर लिपस्टिक लाइक बोल्ड, तो आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखो तो वो बैलेंस बना रहता है. तो लेट मी जस्ट क्विकली डू माई लिप्स एंड कम बैक एंड शो यू द फाइनल लुक. You are the someone I've been trying to meet.
सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू नो हाउ टू डू स्मोकी आई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।